Now for the trophy of the runners-up directorate. Karnataka and Goa directorate being received by senior under officer Aishwarya AG. And now the moment which we've been waiting for, the champion directorate trophy and winner of the Honorable Prime Minister's banner, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Chandigarh directorate. The trophy is being received by senior under officer Preeti Rani, and the banner being received by the ADG Major General Balbir Singh Youth Disabled Medal and Senior Under Officer Deepak Patania. The cherished and revered trophy and banner, the core and pride of the National Cadet Corps with the silver-studded Ashok Chakra. Or up. पुरस्कार विजेताओं के साथ फोटोग्राफ माननीय मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे कृपया विजेताओं के साथ फोटोग्राफ के लिए प्रस्थान करें. मंजिल पाने का एहसास राष्ट्रीय कैडेट कोर के द्वारा. पा ही लेंगे आखिर मंजिल, राहों का मोहताज नहीं. अगर साथ हो उम्मीदों का, कल होगा वही जो आज नहीं. तट पर बैठे ख्वाब को खाब ही रह जाना है, गहरे तल पर जाना होगा, मोती जो तुम्हें पाना है. उठना है और भी ऊपर, है ऊंचाइयां पुकारती, अपार क्षमताएं हैं हम में, आशाएं हमें निहारती. मुश्किलें भी कभी ठहरी हैं, जब हो चट्टानी इरादा, खुद से कर रखा है जब ऊंचाइयों का वादा. उन्नत शिखर के गिरकर भी जो हंसते और गाते हैं, नए शिखर खुद ब खुद उनकी तलाश में लग जाते हैं. मे आई नाउ रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू काइंडली एड्रेस द कैडेट्स. मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर सुभाष भामरे जी, एडमिरल सुनील लांबा, जनरल बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद वशिष्ठ और देश के कोने कोने से आए हुए सभी युवा साथियों, गणतंत्र के पावन पर्व पर देश के कोने कोने से आए हुए एनसीसी के कैडेट्स ने लोकतंत्र के प्रति अपनी श्रद्धा, भारत की एकता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, विविधता में एकता के सामर्थ्य की अनुभूति, देश और दुनिया ने आपके माध्यम से महसूस की है. मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और भारत के उत्तम नागरिक के नाते आने वाले कालखंड में भी आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी, राष्ट्र जीवन में भी
और मानवता के उच्च आदर्शों के प्रति भी वैसी ही प्रतिबद्धता, वैसी ही समर्पण की मिसाल ये कायम करते रहेंगे जो भारत की विश्व में एक अनोखी पहचान बनाने का कारण बन सकती है। एनसीसी के कैडेट के रूप में सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं होता है, सिर्फ परेड नहीं होती है, सिर्फ कैंप नहीं होते हैं। एनसीसी के माध्यम से एक सेंस ऑफ मिशन का बीजारोपण होता है। हमारे भीतर एक जीवन जीने का मकसद, उसके संस्कार का, और वो भी सामूहिक संस्कार का ये कालखंड होता है। एनसीसी के कारण अपनी शिक्षा दीक्षा के अलावा भारत की विविधता के, भारत की अंतर ऊर्जा के, भारत के विराट सामर्थ्य के हमें दर्शन होते हैं। दुनिया के लोगों को आश्चर्य होता है कि ये कैसा देश है, 1500 से ज्यादा बोलियां हो, 100 से ज्यादा भाषाएं हो, हर 20 कोस के बाद बोली बदलती हो, वेशभूषा अलग हो, खान पान अलग हो, उसके बावजूद भी एकता के सूत्र से बंधे हुए रहते हैं। और चोट हिमालय में आए, आंसू कन्याकुमारी में टपक करके निकल आते हैं। ये भाव, राष्ट्रीय एकात्मता का भाव, भारत के किसी भी कोने में अच्छा हो, हर देशवासी उमंग से फूला नहीं समाता है। और भारत के किसी भी कोने में या भारतीय के द्वारा कहीं पर भी कुछ गलत हो जाए तो हमें उतनी ही पीड़ा होती है जैसे हमारे सामने कोई घटना घटी है। देश के किसी भी कोने में प्राकृतिक आपदा आई हो, देश ने एकता के रूप में उस संवेदना को साझा किया है, दर्द बांटने का प्रयास किया है। देश के सामने कोई चुनौती आई हो तो 125 करोड़ देशवासियों ने उस चुनौती को अपना माना है और अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम से उसे परिपूर्ण करने का भरसक प्रयास किया है। यह हमारे देश की अपनी ताकत है। कोई देश राजा महाराजाओं से नहीं बनते हैं, देश शासकों से नहीं बनते हैं, देश सरकारों से नहीं बनते हैं, देश बनते हैं सामान्य नागरिकों से, शिक्षकों से, किसान से, मजदूर से, वैज्ञानिकों से, ज्ञानियों से, आचार्यों से, भगवंतों से। एक अखंड तपस्या होती है
जो राष्ट्र का ये विराट रूप अर्जित करती है। और हम भाग्यवान लोग हैं कि हजारों साल की इन महान विरासत के हम भी एक जीवंत अंश है और हमारे जिम्मे भी उसमें कुछ न कुछ जोड़ने का दायित्व आया है। उस दायित्व को निभाने के लिए जो संस्कार चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, जो अनुभव चाहिए, वो एनसीसी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। मेरा भी सौभाग्य रहा है बचपन में एनसीसी के कैडेट के रूप में ये सेंस ऑफ मिशन, ये अनुभूति, इसकी समझ विकसित हुई। मैं आप जैसा होनहार नहीं था, उतना तेजस्वी कैडेट नहीं था और इसलिए मुझे दिल्ली की परेड में कभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन आपको देखकर के मुझे गर्व होता है कि आप बचपन में मेरे पास जो शक्ति थी, अनुभव थी, उससे आप कई गुना आगे हो, ये देखकर के मुझे और खुशी होती है। और इसलिए ये भी भरोसा बैठता है कि आप में आगे जाने का सामर्थ्य भी मुझसे कई गुना ज्यादा है। ये युवा शक्ति में देश को आगे ले जाने का भी सामर्थ्य मुझसे भी कई गुना ज्यादा है और तब जाकर के देश के उज्जवल भविष्य के लिए आश्वस्त हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। एनसीसी ने, उसके कैडेट्स ने स्वच्छता के अभियान को अपना बना लिया। देश में जहां भी जाने का अवसर मिला, एनसीसी के द्वारा योजना पूर्वक स्वच्छता के अभियान को चलाया गया है। जिस संगठन के पास 13 लाख से ज्यादा कैडेट हो, वो कैडेट स्वयं ऑर्गेनाइज वे में स्वच्छता का अभियान चलाएं, औरों को प्रेरणा देते हैं। लेकिन एक नागरिक के रूप में स्वयं के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने आसपास के परिसर में, अपने दोस्तों में, दोस्तों के परिवारों में स्वच्छता ये स्वभाव बने, उसमें कैटलिक एजेंट के रूप में एनसीसी का हर कैडेट काम कर सकता है। एनसीसी की व्यवस्था के तहत स्वच्छता प्रेरक है, लेकिन एक कैडेट नागरिक के रूप में समाज में स्वच्छता को स्वभाव बनाने के लिए, भारत का स्वच्छता ये चरित्र बन जाए और 2019 महात्मा गांधी के 150वीं जयंती जब मनाएं, तब देश में गंदगी के प्रति भरपूर नफरत हो, स्वच्छता के प्रति प्रेम हो, स्वच्छता हर व्यक्ति के जीवन की अपनी जिम्मेवारी बन जाए, उस बात को बता आगे बढ़ाने के लिए हर किसी को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। एनसीसी के कैडेट इतनी बड़ी तादाद में है और देश के हर कोने कोने में फैले हुए नौजवान है, ऊर्जा है, उमंग है, उत्साह है, ट्रेनिंग है, वो तो शायद सबसे बड़ी ताकत के रूप में इस स्वच्छता के आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। युवा मन और वैसे भी भारतीय मन टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। जिस देश के अंदर 18 की उम्र से ऊपर के
करीब करीब सभी नागरिकों का आधार कार्ड हो, आधार नंबर हो, बायोमेट्रिक से उसकी पहचान हो, ये किसी भी देश की बहुत बड़ी संपत्ति है जो आज भारत के पास है। ये विशिष्ट पहचान हमारी सब योजनाओं का आधार बन सकती है। इन दिनों लोग डिजिटल करेंसी की ओर कैसे जाएं, उसका एक अभियान चल रहा है। एनसीसी के कैडेट्स ने उसको आगे बढ़ाया है। नोट नोट की छपाई छपाई से करने के बाद नोट को गांव गांव पहुंचाना अरबों रुपयों का खर्च होता है। एक एक एटीएम को संभालने के लिए पांच पांच पुलिस वाले लगते हैं। और अगर हम डिजिटल की ओर चले जाएं तो देश के कितने पैसे बचा सकते हैं, और वो पैसे गरीब को घर देने के लिए, गरीब को शिक्षा देने के लिए, गरीब को दवाई देने के लिए, गरीब के बच्चों को अच्छा संस्कार देने के लिए वो धन काम में आ सकता है। हमारे जेब से कुछ भी दिए बिना, खुद की पॉकेट से कोई अलग खर्चा किए बिना अगर हम देश में डिजिटल पेमेंट की आदत डाल दें, भीम ऐप, बाबा साहब आम्बेडकर का स्मरण करते हुए भीम ऐप आपके मोबाइल फोन पर डाउनलोड करें और भीम ऐप से लोगों को कारोबार करने की आदत डालें, अपने परिवार के हर व्यक्ति को आदत डालें, जहां से हम खरीद बिक्री करते हैं उस दुकानदार को आदत डालें, आपको कल्पना नहीं हो गई उतनी बड़ी देश की सेवा आप कर पाएंगे। और हर हिंदुस्तान का नागरिक इस काम को कर सकता है। बदलते हुए युग में बदलती हुई व्यवस्थाओं को, और जब टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी है, तब भारत विश्व में कहीं पीछे नहीं रह सकता है। जिस देश के पास 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम पर दुनिया में हम सीना तान करके आंख से आंख मिलाकर बात करते हो, उस देश के 800 मिलियन यूथ अगर एक बार ठान ले कि अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें योगदान करना है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि प्रधानमंत्री से भी ज्यादा या वित्त मंत्री से भी ज्यादा बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान का नौजवान कर सकता है, बदलाव ला सकता है। एनसीसी ने भी इस जिम्मेवारी को उठाया है। मुझे विश्वास है कि वो इसे परिपूर्ण करते रहेंगे। एनसीसी के कैडेट्स देशभक्ति से भरे हुए होते हैं, अनुशासन इनकी विशेषता होती है, मिलकर के काम करना उनका स्वभाव होता है, कदम से कदम मिलाकर के चलना, कंधे से कंधा मिलाकर के चलना, लेकिन साथ साथ मिलकर के सोचना, सोचकर के चलना, चलकर के पाना, ये एनसीसी की विशेषता होती है। और इसलिए आज जब विश्व आतंकवाद की चुनौती को झेल रहा है, तब हमारी युवा पीढ़ी में समाज के प्रति, देश के प्रति अपनापन का भाव निरंतर जगाते रहना पड़ता है। हमारे यहां कहा है, राष्ट्रयाम जागरयाम वयम,
निरंतर जागरूक, इसके लिए चौकन्ना रहना होता है। हमारे आसपास का कोई नौजवान कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़ रहा है, उसको रोकना होगा। जीवन में कुछ ऐसी बुराइयां तो नहीं आ रही है जो उसको तो तबाह करेंगे, उसके पूरे परिवार को तबाह करेंगे और समाज के लिए वो बोझ बन जाएगा। अगर हम जागरूक होंगे तो अपने अगल बगल के परिसर को, अपने साथियों को भी, भले वो एनसीसी में हो या ना हो, हम उसे भी जिस सेंस ऑफ मिशन को हमने पाया है, जिस जीवन के मकसद को हमने जाना है, उसको भी उसका प्रसाद प्राप्त हो सकता है और वो भी हमारी राह पर चल सकता है। मैं आज गणतंत्र की इस परेड में इतने दिन आप लोगों ने बहुत सी चीजें सीखी हैं, बहुत से नए मित्र पाए हैं, भारत के कोने कोने को जानने समझने का अवसर मिला है। बहुत ही उम्दा स्मृतियों के साथ आप अपने घर लौटने वाले हैं। आपके स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स आपके साथ ही इस बात के इंतजार करते हैं कि आप कब पहुंचे और अपने अनुभव बताएं। आपने उनको अपनी फोटो भी मोबाइल फोन से भेज दी होगी, शेयर किया होगा कि मैं परेड में यहां था, और आपके साथियों ने भी परेड को बड़ी बारीकी से देखा होगा कि पूरी परेड दिखे या न दिखे, अपने गांव वाला लड़का दिखता है कि नहीं दिखता है, अपने स्कूल वाला बच्चा दिखता है कि नहीं दिखता है। पूरा पूरा हिंदुस्तान के हर कोने में हर एक की नजर आप पर थी। ये छोटा गौरव नहीं है, ये कितने बड़े आनंद की पल होती है। उन स्मृतियों को लेकर के आप जब लौट रहे हैं तब ये एक अनमोल खजाना आपके पास है, इसे कभी बिखरने मत देना, विसरने मत देना, इसे संजो के रखना और उसको पनपाने की कोशिश करना। ये अच्छी चीजें जितनी पनपाएंगे जीवन भी उतना खिल उठेगा। वो पूरी की पूरी महक आपके जीवन के भीतर से प्रकट होती रहेगी, जो आने वाले आसपास के पूरे परिसर को पुलकित करती रहेगी। मेरी आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज विजयी हुए कैडेट्स को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। एनसीसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधन के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और अब आप सबसे अनुरोध है एनसीसी गीत तत्पश्चात राष्ट्रीय गान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। We'll be right back.
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम की समाप्ति इसी संकल्प के साथ, चाहे दुश्मन कितना भी भारी हो, चाहे उसकी कितनी भी तैयारी हो, चाहे बिजली की कड़क या आब हो, चाहे आंधी तूफान या सैलाब हो, मां मैं तुम्हारा पुत्र। ऐसी ऊंचाइयों का सोपान है नेशनल कैडेट को, इस कामना के साथ कि इन बुलंदियों पर हर कैडेट पहुंचे, यही उम्मीद है पूरे हिंदुस्तान की। अ प्राउड डे इंडीड फॉर ऑल द कैडेट्स हु आर प्रेजेंट हियर एंड दोज अक्रॉस द कंट्री। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजिबली प्लीज्ड, waving goodbye to the cadets, a moment of great honor and pride, final handshake with the Director General of the National Cadet Corps. And with the hope that this tradition continues for years to come, and the National Cadet Corps keeps us proud and makes the nation great, we see the cascade of the Prime Minister leaving the Kariyappa parade grounds. Aur iske sath hi Doordarshan bhi aapse vida leta hai. हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार, जय हिंद। डीडी नेशनल, देश का